गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस सम पॉइंट्स एंड सम पैराग्राफ्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, उसमें हम चल रहे थे। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मृदु नाम की लड़की जो है वो अपनी कजिन के घर जब जाती है तो उसके कजन्स जो होते हैं, कजन्स यानी मौसी जो होती है, चचेरे भाई बहन या मौसेरे भाई बहन जो होते हैं, तो उसके मौसेरे जो भाई बहन होते हैं वो उसको खींच कर अंदर ले जाना चाहते हैं। गेट के ऊपर दरवाजे पर देखते ही वो कहती है उसको, कुछ समय के लिए रुको। उसे अपनी चप्पलें हैं वो साइड में उतारी और उन्होंने दूसरी चप्पलें जो वहाँ पड़ी हुई थी उसको देखा, उसको स्टडी करा, तो उसमें इतने लंबे लंबे यानी पैरों के निशान बने हुए थे। वो ये आइडिया नहीं लगा पाई कि ये विचार में कि ये किसकी हो सकती है। उतने में वो उसको ड्रैग करके खींच करके अपने मकान के पीछे के आंगन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर उनके कजिन्स ने एक छोटी सी जो केट होती है उसको पाल रखा था। उन्होंने उसको बताया कि ये बाहर सड़क पर घूमती हुई उन्हें मिली और वो पाती यानी दादी से छुपा करके उसे आंगन में रख रहे हैं और एक जो नारियल का जो खोल होता है उसके अंदर उसको छुपा के रखा हुआ है। फिर वो बताते हैं कि इस के लिए हमें दूध घर से रसोई से दूध लेकर के आना कितना मुश्किल होता है, और जब एक बार वो दूध लेने के दृश्य के लिए निकलती है तो उन्हें पता चलता है कि जब बड़ा सा गिलास उसके हाथ में होता है तो उसकी दादी बोलती है, क्या कर रहा है तू? बोले, मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, मुझे दूध पीना है। तो लेते ही उसके सामने बहाने करके आधे से ज़्यादा दूध उसको पीना पड़ता है। फिर वो कहती है, यहीं गिलास साफ करके रखो। वो कहता है, मैं कर दूंगा। ऐसे बहाना बना करके वो जाता है अंदर, उसके दूध को उस बिल्ली के जो छाल है जिसमें छुपा के रखा होता है उस पर उडेल करके वापस आता है। तो ये जो स्टोरी चल रही थी किस तरह बच्चे हैं वो एक जानवर के प्रति दयालु होते हैं, उसके साथ वो खेलने की कोशिश करते हैं। और अब हम देखते हैं उसका उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है। उस तरीके से देखिए, महेंद्रन नाम से उसको पुकारा जाता था। तो वो कह रहे हैं महेंद्रन के बारे में बात करेंगे। वो कह रहे हैं महेंद्रन, और वो जब उसने अपने मौसेरे या अपने कजन्स को ये बताया कि इसका नाम हमने रखा हुआ है महेंद्रन, तो वो कह रहे दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज यानी इस छोटे से बच्चे का, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, कि इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन है? उसने इस प्रकार से इसके बारे में पूछा और प्रश्न पूछा। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क साइन है और इनवर्टेड कॉमा है। दिस महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटे से बच्चे का नाम जो है वो महेंद्रन है। यहाँ से इसकी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होती है। तो ये बात उन्होंने पूछी, महेंद्रन, दिस महेंद्रन नाम जब उसको पुकारा गया तो दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस छोटे से बच्चे का नाम जो है बिल्ली का जो बच्चा है उसका नाम महेंद्रन है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को लेकर के बताया कि मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है वो काफी प्रभावित हुई उस नाम को लेकर के। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, काफी प्रभावित हुई, कितना बड़ा नाम रखा हुआ है महेंद्रन। फिर कह रहा है इट वॉज ए रियल नेम, इट वॉज ए रियल नेम, क्या ये इसका वास्तविक नाम है? इट वॉज ए रियल नेम, क्या ये उसका वास्तविक नाम है? इट वॉज ए रियल
नेम, क्या यह उसका वास्तविक नाम है? नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, नॉट जस्ट ए, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट, क्यूट किटी कैट, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट, ये केवल एक छोटे सी बिल्ली का बच्चे का सुंदर सा नाम ही नहीं है, किटी कैट नेम, कि जो हमने आपको महेंद्र नाम बताया है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये कि एक सुंदर से बिल्ली के बच्चे का नाम ही नहीं है, तो उसके नाम को लेकर के वो कुछ एक्सप्लेनेशन देगी कि ये नाम उनके लिए कितना प्रसिद्ध है, किस काम में आता है। देखिए एक्चुअली एक्चुअली ए सी टी यू ए डब्ल्यू एल वाई एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज एक्चुअली उसका पूरा नाम वास्तव में एक्चुअली हिज फुल नेम इज उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनवी, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई एमपी पुनई फॉर शॉर्ट, शॉर्ट यानी संक्षिप्त में हम उसको क्या बोल सकते हैं, एमपी पुनई बोल सकते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई एमपी पुनई फॉर शॉर्ट, संक्षिप्त में छोटे रूप में उसको हम बोल सकते हैं। इफ यू लाइक, यदि आप इसको पसंद करते हो तो आपको शॉर्ट नाम से पुकार सकते हो। क्या कह रहे, एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम यानी उसका पूरा नाम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई एमपी पुनई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, इफ यू लाइक यदि तुम पसंद करते हो तो शॉर्ट में उसको एमपी पुनई बोल सकते हो। ये बात उसने उसके नाम को लेकर के बताई। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हर फर। फर यानी जो होता है उसके जो चेहरे पर आगे के जो बाल होते हैं शेर के, या जो चेहरे पे आगे जो बाल होते हैं उसको हम बोलते हैं फर। क्या बोलते हैं उसको? हम फर बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं शॉर्ट नेम एंड ब्रीड यानी होती है नस्ल। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यहाँ ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। क्या होता है? नस्ल। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट यानी ये बिल्ली की एक उत्तम नस्ल है। एंड जस्ट लुक एट हर फर, आप उसके चेहरे को देखिए, उसके चेहरे के जो फर है, उसके जो बाल हैं उसको देखिए। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं, हिज जस्ट लुक लाइक हिज फर एंड लाइक ए लॉयंस मैन, एंड लाइक ए लॉयंस मैन। अब लॉयंस यानी शेर और मैन यानी होता है शेर के जो लंबे लंबे बाल होते हैं, मैन यानी शेर के लंबे लंबे
बाल एंड फर एंड लाइक ए लायंस मैन, यानी उसके फेस पे उसके चेहरे पर शेर की तरह लंबे लंबे बाल है। तो ये उत्तम क्वालिटी की जो नस्ल है उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शेर से मिलता जुलता है। एंड यू नो, एंड यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, एंड यू नो और तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम, व्हाट द एम्बलम, एम्बलम यानी संकेत या चिन्ह, एम्बलम यानी होता है संकेत या प्रतीक चिन्ह, व्हाट द एम्बलम यानी प्रतीक, व्हाट द एम्बलम, व्हाट द एम्बलम, एम्बलम यानी प्रतीक, क्या प्रतीक है उसके, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट, ऑफ द एंशियंट यानी प्राचीन, ऑफ द एंशियंट यानी प्राचीन पल्लवी किंग्स वॉज, पल्लवी किंग वॉज, पल्लवी किंग वॉज, कहने का क्या मीनिंग होगा कि यू नो तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवी किंग्स वॉज, प्राचीन पल्लव जो राजा थे उनका प्रतीक या उनका संकेत क्या था, डोंट यू, या नहीं जानते हो, जो मालूम है या नहीं इस बात का, क्या आप इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो। एंड ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली ऑफ, ही लुक एट, ही लुक्ड एट expectantly, यानी आशा से उसकी तरफ देखना, आशा पूर्वक देखना, he looked at expectantly at मृदु, उसने आशा से मृदु की तरफ देखा। इस तरीके से वो उस बिल्ली के बच्चे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुई, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुई, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इस बात को लेकर मृदु है वो काफी प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, क्या ये उसका वास्तविक नाम है और नॉट जस्ट ए क्यूट किटी, क्यूट किटी कैट नेम, ये केवल बिल्ली का ही नाम है, क्यूट किटी कैट नेम यानी एक सुंदर से बिल्ली के बच्चे का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, वास्तव में हिज फुल नेम इज, उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, शॉर्ट में एम पी पुनई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, यदि आप पसंद करो तो शॉर्ट में या संक्षिप्त में उसको एम पी पुनई बुला सकते हो, क्या बुला सकते हो, एम पी पुनई बुला सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह बिल्ली की उत्तम नस्ल है। एंड जस्ट लुक एट हर फर, यानी उसके फर देखिए, उसके जो जो चेहरा होता है उसके ऊपर जो बाल है उनको देखिए। एंड लाइक ए लॉयंस मैन, यानी शेर के लंबे लंबे जो बाल होते हैं, मैन यानी शेर के जो लंबे लंबे बाल होते हैं उस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड यू नो, और आप जानते हैं, व्हाट द एम्बलम ऑफ द किंग, एंशियंट पल्लवी किंग वॉज, और प्राचीन जो पल्लवी राजा थे उनका क्या संकेत होता था, उनका क्या प्रतीक होता था, और डोंट यू, या तुम नहीं जानते हो। ही लुक्ड एट एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह मृदु की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। थिंक आई एम जोकिंग, और सोच रहा था, थिंक आई एम जोकिंग,
आई एम जोकिंग, और उसे लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूं। वेल, अच्छा क्या लग रहा था उसको? थिंक आई एम जोकिंग, वह सोच रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूं। वेल जस्ट वेट, वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो। वेल, अच्छा जस्ट वेट, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, आई विल यू शो सम टाइम, आई विल आई सेल यू शो, आई सेल यू शो सम टाइम, आई सेल यू शो सम टाइम, मैं आपको कुछ, अच्छा वेल अच्छा जस्ट वेट, इंतजार करो। आई विल शो यू समटाइम्स, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आई विल शो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कहने का मतलब क्या तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? थिंक आई एम जोकिंग, क्या आप सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल, अच्छा इंतजार करो, रुको। वेल यानी अच्छा, इंतजार करो, जस्ट वेट, थोड़ा सा, वेट यानी इंतजार करना, रुकना, रुको, ठीक है थोड़ा इंतजार करो, मैं किसी समय तुम्हें ये दिखा दूंगा। आई विल शो यू समटाइम, मैं किसी समय तुम्हें ये दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? इट इज क्लियर यू डोंट नो, इट इज क्लियर यू डोंट नो, ऊपर से थोड़ा उठा देता हूँ, वहां लिख देता हूँ। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, इट इज क्लियर, ये निश्चित हो गया है। जब वो उससे बात कर रहा था, ये सोच विचार की बातें चल रही थी उनके बीच में, कि क्या आप सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और किसी समय में आपको दिखा दूंगा, क्या कर दूंगा, किसी समय में आपको दिखा दूंगा, क्या दिखा देगा? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये निश्चित है। इट इज क्लियर यू डोंट नो, इट इज क्लियर ये यू डोंट नो, ये तो निश्चित हो गया है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इट इज क्लियर, ये निश्चित है कि यू डोंट नो, कि आप नहीं जानते। ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ए थिंग अबाउट ए हिस्ट्री, अबाउट ए हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास। इट इज क्लियर, ये निश्चित हो गया है। यू डोंट नो ए थिंग अबाउट ए हिस्ट्री, यू ये निश्चित हो गया है, डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, अबाउट हिस्ट्री, कि आप इतिहास के बारे में एक भी बात नहीं जानते। ये बात क्लियर हो गई है कि आप इतिहास के बारे में एक भी बात नहीं जानते। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट हो गया है। यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो। ए थिंक अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आप एक भी बात नहीं जानते हो, या आपका इतिहास का ज्ञान जो है वो काफी कमजोर है। इसके बाद ये बातें जब उनके बीच में हो जाती है, तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें इतिहास की बातें बताई जाएगी कि कौन राजा होता था, किस प्रकार ये राजा शासन करते थे, किस प्रकार उसकी रूलिंग सिस्टम था, और क्या उनके प्रतीक और सिंबल हुआ करते थे। ये कुछ बातें थी, बाकी हम देखेंगे अगला पैराग्राफ है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।